च विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवार्तायाशैते वियदनिलतेजो भवनायः यतश्च भूद्विश्वम् चरम चरमोचमिदम् नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति है। चलो भाई, जो कर्म होता है, कर्तव्य, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, वो पुरुष के अधीन होता है। किसके अधीन? पुरुष के अधीन होता है। इसलिए कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। ठीक है नारायण? हाँ, तो पहले लौकिक कर्मों को बताया। यथा अश्वेन गच्छति पदभ्याम अन्यथा वा, ठीक है, नवा गच्छति अथवा नहीं भी जाता है। तीन कह रहे हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम। अश्वेन गच्छति, ठीक है, पदभ्याम है ना, अश्व से जाता है अथवा अन्य प्रकार से भी पैदल भी जा सकता है। लेकिन अरे फक्कड़ मात में कैसे जाएगा, पैदल से तो जाएगा है ना, और कोई विरक्त तो हमको जाना ही नहीं है, तो नवा गच्छति हमको जाना ही नहीं है कि नहीं, हो गया भाई। तो वैदिक कर्म में भी ऐसा हुआ, अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, ठीक है, और न अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति है कि नहीं। तो चाहे अतिरात्र कर्म में षोड़शी पात्र ग्रहण करेगा तो नहीं भी करेगा, वो नहीं भी करेगा, बराबर है। तो ये जो कहा ना यहाँ पर हैं, कर्तुम अकर्तुम तीन कह रहे हैं, कर्तुम अकर्तुम तीसरा क्या है, अन्यथा कर्तुम। तो कर्तुम अकर्तुम का उदाहरण क्या दिया, अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति न अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति है ना, षोड़शी पात्र का ग्रहण कर सकता है नहीं भी कर सकता है, समझ में कि नहीं। हाँ, इसमें कोई पुकार दोष है ही नहीं। अच्छा, और कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम, कर भी सकता है हैं, और क्या है, हाँ, अन्य प्रकार से भी कर सकता है। कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम मतलब क्या हुआ, दोनों में अंतर है। पहला उदाहरण क्या है, कर्तुम अकर्तुम, कर सकता है नहीं कर सकता है, इसका उदाहरण क्या हुआ, नातिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति। और कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम, कर सकता है लेकिन अन्य प्रकार से भी कर सकता है, इसका उदाहरण है। टीका का लिखते ना, देखो पेज नंबर, बोलो राजू जी महाराज, बोलो 105। कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम इत्यस्य उदाहरणम उदाहरणम आह उदिते, भाष्य में कहा उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ओके कि नहीं। उदित होने पर, सूर्य उदित होने पर अग्निहोत्र जाग करता है, अथवा अनुदिते पहले से भी कर सकता है, हुआ कि नहीं हुआ, हैं।
अच्छा टीका थोड़ी सी ले लो, यहाँ तक टीका का लिखते हैं स्यात्, ठीक हो बात ठीक है। पुरुष स्वातंत्रात कर्तव्ये, ये बताओ कर्तव्य कर्म करने में पुरुष तो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र करता है। लोग बोलते हैं ना हम स्वतंत्र हैं, लोग बोलते हैं ना हम कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं, हम तो स्वतंत्र है। लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। पुरुष स्वातंत्रात, पुरुष मतलब व्यक्ति, प्राणी तो भाई स्वतंत्र है ना, चेतन है ना, पुरुष तो चेतन है, इसलिए चेतन तो का स्वतंत्र होता है। पुरुष स्वातंत्रात, पुरुष की स्वतंत्रता होने के कारण कर्तव्य, कर्तव्य हो गया कर्म, जागादि कर्म हो गया कर्तव्य है कि नहीं। इसलिए जो विधि क्यों है फिर, काहे को विधान करते हो, हैं वो तो स्वतंत्र हो गया ना। अरे भी जो स्वतंत्र नहीं है उसी के लिए विधान होता है, उसी के लिए निषेध होता है, जो क्या ना हो स्वतंत्र ना हो। लेकिन जो स्वतंत्र है उसी के लिए कौन सा भी कौन सी विधि कौन सा निषेध होगा, आगे समझ में। ये बोलते हैं विधि प्रतिषेधानाम अनर्थक्यम, है विधान और प्रतिषेध करना वो व्यर्थ हो गया कि नहीं है। तो क्या हुआ, व्यक्ति स्वतंत्र होने के कारण ये तुम्हारी विधि ये तुम्हारा निषेध क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा कि नहीं, समझ में आए ना। ये हो गई शंका है ना। हाँ अतद अधीनत्वात् पुरुष प्रवृत्ति निवृत्ति, और पूर्व पक्षी का यही अभिप्राय हो गया, क्योंकि जो पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है पुरुष की जो निवृत्ति होती है, ठीक है, व्यक्ति की किसी कर्म में प्रवृत्ति होती है और किसी कर्म में निवृत्ति होती है, तो स्वतंत्र हो गया ना। इसलिए पुरुष की जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वो किसके अधीन नहीं है, विधि और निषेध के अधीन नहीं है, है ना। शास्त्र जो विधान करता है उसके अधीन नहीं है, शास्त्र जो निषेध करता है इसके अधीन भी नहीं है। आ गया, हाँ शंका पक्षी कह दिया, हो गया। इले अतत, अतत का अर्थ क्या होगा, हाँ तत् का अर्थ है विधि निषेध, विधि निषेध के अधीन पुरुष की प्रवृत्ति निवृत्ति, लेकिन अतत कहने से विधि निषेध के अधीन नहीं है, क्या नहीं है, पुरुष की प्रवृत्ति प्रवृत्ति की निवृत्ति, हम चाहे तो करेंगे ना चाहे तो नहीं करेंगे। काहे को तुम करते हो कि मंत्र जप करो, लेकिन झूठ ना बोलो, हम तो स्वतंत्र है, चाहे तो सच बोलेंगे चाहे तो झूठ बोलेंगे। लोग बोलते कि नहीं। यही चल रहा है कलयुग में। इत्यत आह, बोलते हैं ऐसा नहीं, ये विधि और प्रतिषेध जो किया जाता है व्यर्थ नहीं होता है, इसका प्रयोजन होता है। क्या होता है, प्रयोजन होता है, समझ में ना। हाँ बोला नहीं, हाँ जो हम जो है सच नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे क्या नहीं मानने से क्या पाप नहीं होगा, बोला हम नहीं मानेंगे पाप को, नहीं मानने से पाप नहीं होगा, चाहे मानो और चाहे ना मानो, पाप पुण्य तो होता ही होता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं विधि प्रतिषेधश्च, भाष्य में देख लो विधि प्रतिषेधश्च अर्थवंतः स्युः, अर्थ का है प्रयोजन, अर्थवंतः अर्थः मतलब प्रयोजनम येषां ते अर्थवंतः, अर्थवान अर्थवंतौ अर्थवंतः, कौन अर्थ वाले होंगे, विधि और प्रतिषेध। समझ में आ गया, थोड़ी सी आप लोग टीका ले लो इतना। ये जो कहा था ना भी गृह्णाति, कहाँ पर गृह्णाति था मालूम है, अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति और नातिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, यहाँ पर जो गृह्णाति शब्द आया ना है, हाँ यहाँ पर ठीक है। चलो टीका का लिखते हैं, गृह्णाति इति विधि, गृह्णाति शब्द से क्या लेंगे, विधि, विधान कर दिया, क्या विधान किया, षोड़शी पात्र का ग्रहण,
और तिरात्र नामक कर्म में षोड़शी नामक पात्र का ग्रहण, ये हो गई विधि। गृह्णाति यद्यपि लौट लकार है फिर भी ये लेट अर्थ में होता है, लेट लेट वैदिक प्रयोग है, मतलब ग्रहण करें। गृह्णाति का अर्थ ग्रहण करें, विधि होती है, ठीक है। अच्छा, और न गृह्णाति है ना, वहाँ पर कहा ना नातिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, अतिरात्रे षोड़शीनम न गृह्णाति, तो न गृह्णाति से क्या लगेगा, प्रतिशे सुरा न पातव्या, सुरापान नहीं करना चाहिए, निषेध हो गया। अंधृतम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निषेध हो गया, ठीक है ना। तो विधि और निषेध इतना आया समझ में। लेकिन ये जो है उदिते जो होती अनुदिते जो होती, यहाँ पर विधि को निषेध कौन, हाँ कोई भी निषेध नहीं है, दोनों विधि है, चाहे सूर्योदय होने पर करो चाहे सूर्योदय से पहले करो, करना है जरूर, क्या समझ, करना है जरूर, ठीक है। मंत्र का जप करना है जरूर, मंत्र लिए हो गुरुजी से, और केवल कहने के लिए गुरुजी से मंत्र लिया हो, आपको जप तो करना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले करो चाहे सूर्योदय के बाद करो, तो करना तो पड़ेगा है कि नहीं, हो गया ना, ये बोलते हैं। ये इले दोनों विधि हो गई, उदिता अनुदिता होमयोर विधि, दोनों विधि है। प्रथमाधि वचन देखो, उदित काल में होम और अनुदित काल में होम, दोनों में विधि हो गई, ठीक है। विधि विधि है, विधि विधय प्रथमा का अधिवचन हो गया कि नहीं। अच्छा, और आगे थोड़ा ले लो, ये कहा ना विधि प्रतिषेधश्च अर्थवंत स्युः, भाष्यकार ने कहा, देखो लिखते हैं टीकाकार, एवं इसी प्रकार से एक विधि होती है एक प्रतिषेध होता है, दोनों सार्थक होते हैं, विधि भी सार्थक है और प्रतिषेध भी सार्थक है भाई। वो कहते हैं भाई देख लो, एवं नारास्ति स्पर्शन निषेधो ब्रह्मघ्नश्च तद्धारणा विधेर इत्येवं जातीय का विधि प्रतिषेधा अर्थवंतः। वो कहते हैं जैसे मरे हुए व्यक्ति की अस्थि को छू लिया, मृत व्यक्ति के शरीर को अस्थि को छू लिया, ठीक है ना, स्पर्शन का निषेध किया जाता है, क्या किया जाता है, यदि छू लिया है कि नहीं, तो उसे शुद्धि के लिए फिर क्या करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बस जितना कपड़ा पहन करके छुए थे ना, पूरा स्नान, पूरा कपड़ा पहनते हुए वस्त्र के साथ, है ना, ये कहता है। नारम स्पृष्ट्वा अस्ति स स्नेहम स वासा जलम आभिषेक, ऐसा शास्त्र आता है। हाँ, ये टीका में दिया है, तो यहाँ पर दे रखे हैं, जो है आपके नहीं है, इस नारम स्पृष्ट्वा अस्थि स स्नेहम स वासा जलम आविशेत, नहीं आपके बात है, लिख लो, बताता हूँ, नोट पर लिख लो ना, नारम स्पृष्ट्वा, हाँ हिंदी वाक्य में तो है, नारम स्पृष्ट्वा अस्थि स स्नेहम स वासा जलम आविशेत, जलम लिखते अपने, स स्नेहम स वासा जलम आविशेत, है ना, मनुष्य के अस्थि को छू लिया तो पूरा स्नेह के साथ तेल फेल जो भी हो, वस्त्र के साथ सब जो है आपको जल में क्या डुबकी लगाना पड़ता है, सुनते हो ना, आज कुछ भी हो जाए चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, आपको स्नान तो करना पड़ेगा, है कि ना, हाँ ऐसा है। अत्यंत हो शरीर रुग्ण, सुनते भाई, अत्यंत रुग्ण हो तो कपड़ा धो लो, जल ऐसे कर दो, ये भी है, क्या करूँ अधिक हो गया तो,
नहीं तो ऐसा भी है, गौ माता की परिक्रमा कर लो, ऐसा भी आता है, गौ माता की परिक्रमा कर लो तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। सारी व्यवस्था है शास्त्र में, मानने वाले के लिए शास्त्र है, हो गए कि नहीं? ये हो गए, और ये तो विधि हो गई ना, क्या कर दिया? नहीं, ये जो है निषेध कर दिया, ये निषेध हो गया, मृत व्यक्ति के अस्थि को स्पर्श नहीं करना है, हाँ ये निषेध, ठीक है। हाँ, उसके दोष के निवृत्ति के लिए ये कहा गया नारायण स्पृष्ट अस्थि, हो गया। अच्छा, कभी क्या हो जाता है, ब्रह्म हत्या हो गई, क्या हो गई? ब्रह्म हत्या हो गई, कहीं गो हत्या भी हो जाती है, फिर उसके लिए क्या करता है, उसका धारण करना पड़ता है उस अस्थि को, है ना, सुनते हो क्या कह रहे हैं? हाँ, उस अस्थि को जो गौ माता मर गई जो है ना, उस अस्थि को धारण करना पड़ता, लटकाना पड़ता है, यहाँ पर गले में लटकाना पड़ता है, और पराल बांध के, मैं देखा हूँ बाल्यकाल में, एक किया था ऐसा, देखा मुझे याद है अभी, हाँ हाँ ऐसा है। तो इनमें भी एक शास्त्र यहाँ पर दिया है आपकी हिंदी वाली पुस्तक में, हाँ जी 12 साल तक, हाँ हाँ इसमें दिया है, और हिंदी वाली पुस्तक में दिया है, जाग्ञवल्क्य स्मृति में दिया है, शिर कपाल ध्वजवान भिक्षासि कर्म वेदयन ब्रह्मा द्वादशाब्दानि मितभुक् शुद्धिम आपनुयात, ऐसे ही व्याख्या में दिया है। चल कम से कम एक हड्डी पकड़ेगा है कि नहीं, उसको क्या पे ध्वजा भी ऐसे है ना, ध्वजा भी रखेगा हाथ में, कौन जिससे ब्रह्म हत्या गो हत्या हो गई है, वो ध्वजा भी रखेगा, और भिक्षा से भिक्षाटन करेगा, वो ऐसे मजे से खाएगा, ऐसा नहीं भिक्षाटन करके खाएगा, समझ में? और ऐसा नहीं मेरे से हत्या हो गई बोलेगा भी, प्रचार भी करेगा, क्या करेगा, वो गांव गांव में जा करके भिक्षा मांगेगा और प्रचार भी करेगा, मेरे से हत्या हो गई। हाँ बताओ कितने साल तक रहेगा, 12 साल तक इसी प्रकार जो है रहता है, ठीक है ना, तब जाकर मित भोग और परिमित आहार करेगा, उससे जाकर के शुद्धि होती, ये क्या हो गया विधि, ये क्या हो गई विधि हो गई, है ना। पहले सामान्य शास्त्र हुआ, मृत शरीर को छूने पर हैं फिर जो दोष होता है उसके लिए फिर स्नान करना पड़ता है, ये निषेध हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये विधान हो गया देखो। हाँ, यदि हत्या हो गई है तो उस अस्थि को धारण करो, उस अस्थि को धारण करेंगे तो पाप होगा कि पाप हटेगा, हाँ प्रायश्चित, प्रायश्चित की निवृत्ति, प्रायश्चित होता है इसका, समझ में कि नहीं, ये सब विधान है शास्त्र में भाई। तो ठीक है, मैं विधि प्रतिषेधाः अर्थवंतः, इसलिए विधि और प्रतिषेध दोनों प्रयोजन वाले हैं कि नहीं, हाँ ऐसा होता है। कुत इत्यतः भावती में, हाँ ऐसा कैसे, देखो विकल्प उत्सर्ग अपवादश्च, भाष्य में आया, कहीं विकल्प भी होता है कि नहीं, कहीं सामान्य होता है और कहीं क्या होता है, अपवाद भी होता है, सुनते हैं ना, कहीं कर्मों में विकल्प और कहीं कर्मों में सामान्य, उत्सर्ग मतलब सामान्य, अपवाद मतलब विशेष, आ गया, ये सामान्य हो गया, मृत शरीर की अस्थि को स्पर्श करना, करने से क्या होगा, जल स्नान, जल में स्नान करना पड़ेगा, ये सामान्य शास्त्र हो गया। अब विशेष क्या है, यदि आपसे हत्या हो गई है उस अस्थि को ग्रहण करो, अपवाद हो गया, समझ में आए कि नहीं, हाँ तो सभी व्यक्ति नहीं पकड़ सकते उसको, हत्या हो गई है तो उस अस्थि को पकड़ो रखो लटका करके ये सब होता, अपवाद हो गया ना। चलो इस वक्त और भी होता है जो है, मा हिंसा सर्वाभूतानि, हाँ ये रत्न प्रभा में दिया है, मा हिंसा सर्वभूतानि न हिंसा सर्वभूतानि, ऐसा भी होता है, ये सामान्य हो जाएगा। और अपवाद क्या होगा, अग्नि सोमयम पशुम आलभेत, इसे ये विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और भी दिया है, आहवनीय जुहोति, आहवनीय में हवन करेगा, ये उत्सर्ग हो गया,
और अश्वस्य पदे पदे जो होती अपवाद हो जाता है। घोड़ा जो होता है ना अश्व, वो पाद चिन्ह में जो हवन करेगा, ये अपवाद होता है, सुनते हैं ना। बहुत सारे ऐसे सामान्य अपवाद है, ठीक है। जैसे सामान्य हो गया कि ब्रह्मचर्यम समाप्य ग्रीव भवेत ग्रीवत्वा बनी होवेत बनीभूत्वा प्रवजेत। लेकिन विशेष क्या हो गया, हाँ, यदि यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवजेत, ये होता है विशेष होता है, सामान्य और विशेष, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो च कह दिया, विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च, ये च शब्द का अर्थ भी हेतु, च शब्द का क्या है, हेतु। भावती में दिया है चो हेतु, मतलब क्या अर्थ हुआ, च शब्द हेतु अर्थ में है, नहीं मिला आपको, सबसे नीचे चो में क्या विभक्ति है, च का प्रथम है च, च कहने से च शब्द है। सूत्र में जो ये भाष्य में जो च शब्द है, वो च शब्द का अर्थ हेतु, हेतु अर्थ मतलब विकल्प उत्सर्ग और अपवाद होने के कारण विधि और प्रतिषेध प्रयोजन वाले होते हैं। आ गया कि नहीं, हाँ ऐसा आज आगे दिया है, देखो भामती में इसका अर्थ शब्द ही रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा, शब्द दे दिया। यस्मा मतलब क्योंकि ग्रहणा ग्रहणायोर उदिता अनुदिता होमयोश्च विरोधात समुच्चय असंभवे। ये देखो, जहाँ पर विरोध होता है ना, वहाँ पर समुच्चय होगा क्या, क्या है, जहाँ पर विरोध हो जाएगा वहाँ पर समुच्चय होगा, क्या कह रहे हैं, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा ना, ऐसा होता है ना। हाँ, जैसे कुछ लोग दही भी खाते हैं और क्या खाते हैं, हाँ उसके साथ क्या खाते हैं, नहीं, खीर भी खाते हैं और दही भी खाते हैं, क्या है, खीर भी खाते हैं और कोई कोई दही भी, खट्टी दही भी खाते हैं, मीठी दही तो अलग बात भी हो, तो विरोध नहीं है, विरोध है कि नहीं, बहुत विरोध चलता है आजकल भोजन में, खीर भी बनाएंगे बढ़िया और जो इधर दही भी खाते हैं, लाओ नींबू और लाओ वो भी लाओ, सब लाओ। यस्मात् ग्रहणा ग्रहणायोर, एक कह दिया ग्रहण, कहाँ पर ग्रहण बोलो, नातिरात्रे अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, और नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, एक कह दिया ग्रहण और दूसरा कह दिया अग्रहण, विरोध है कि नहीं दोनों में, अच्छा, और उदिते जो होती अनुदित होती, दोनों में भी विरोध है कि नहीं, विरोध होने से समुच्चय होगा, नहीं होगा, आप यह ना दोनों में से एक करोगे, दोनों कैसे करोगे, इसलिए समुच्चय असंभव है, समुच्चय संभव नहीं है, क्यों नहीं है, हेतु कह दिया ना, विरोधात् विरोध होने से, विरोध समझ में आ गया। आगे देखो, कहते तुल्यबलतया च बाध्यबाधक भावा भावे, कहते कि बाध्य बाधक भाव नहीं होगा, एक बाध्य होता है एक बाधक होता है, जो बात कर देता है उसको बोलते हैं बाधक, और जो बाधित हो जाता है उसको बोलते हैं बाध्य, समझ में ना। जहाँ पर तुल्यबल हो जाए, क्या हो जाए, दोनों का बल यदि समान हो जाएगा, कौन किसको बात करेगा, नहीं होता है, दोनों का बल समान हो गया, जिसका बल ज़्यादा है ना वो तो दूसरे को बाधित कर सकता है, समझ में कि नहीं है, लेकिन दोनों का बल समान हो जाए तो बाधे बाधक भाव नहीं बनता। जैसे मान लो ग्रहण और अग्रहण, क्या है, हाँ, ग्रहण और अग्रहण कहाँ पर आया, अतिरात्रे षोड़शी नाम गृह्णाति, नहीं, और न अतिरात्रे षोड़शी नाम गृह्णाति, षोड़शी पात्र ग्रहण करो चाहे ग्रहण न करो, दो कर्म हो गए कि नहीं, दोनों तुल्य बल है, इसलिए दोनों में बाध्य बाधक भाव बनता नहीं, ऐसा समझ में, ऐसा होता है, अच्छा, बाध्य बाधक भाव है सती, इसलिए अगत्या विकल्प, वहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, जहाँ पर बाध्य बाधक भाव नहीं होता है, तुल्य बल जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या रहता है, कैसे विकल्प हुआ,
बोलो। अतिरात्रे चाहे षोड़शी पात्र ग्रहण करेगा चाहे नहीं करेगा, विकल्प हो गया, हो गया कि नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे लिखते हैं भाई, नारस नार अस्ते स्पर्शन निषेध तद्धारणयश्च विरुद्धयो हो अतुल्य बलतया न विकल्प। लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं होगा ये बोलते हैं। जैसे हाँ, नर अस्थि के स्पर्शन का क्या कर दिया, निषेध कर दिया, निषेध कर दिया कि नहीं, है कि नहीं। और यदि हत्या हो गई तो उसका धारण करेगा, वो अस्थि का धारण करेगा, है कि नहीं। दोनों में क्या है, विरोध है कि नहीं, दोनों कर्म विरुद्ध है, दोनों कर्म विरुद्ध नहीं है क्या। विरुद्ध होने से तुल्य बल है नहीं, अतुल्य बल, अतुल्य बल होने से विकल्प होगा, कहाँ विकल्प होगा, हाँ विकल्प नहीं होगा। आगे समझ में, जैसे मान लीजिए आपसे हत्या हो गई, आपसे ले किसी से हत्या हो गई, नहीं हमारी इच्छा नहीं था, आप नहीं पकड़ेंगे है? हम नहीं पालन करेंगे, तो ऐसा होगा विकल्प, ऐसा नहीं। यदि हत्या हो गई है तो आपको तो धारण तो करना पड़ेगा है। कोई प्रायश्चित कर्म के लिए वहाँ भी जाते हैं, सेतु, राम सेतु भी जाते हैं, कौन से के लिए, राम सेतु जाते हैं प्रायश्चित कर्म के लिए, हाँ कौन सा एक दोष हो जाए तो जाते हैं, राम सेतु भी जाते हैं, ऐसा है ठीक है, शास्त्र में है ऐसा। चलो हाँ बोलो, कौन से सन्यासी भी करेगा, क्या आपत्ति है, सन्यासी भी करेगा वो, और क्या, हत्या तो हत्या है, ये भी करेगा। गुरु का शरीर छोड़ गया तो स्वयं करेगा वो, हाँ आपसे हत्या नहीं हुई ना, समझ में कि नहीं। गुरु के शरीर भी छूट गया है फिर भी स्नान तो करेगा वो, क्या करेगा वो, हाँ स्नान, क्या जी, हाँ है ना, शरीर तो किसी का भी छूटा हो, क्या समझा, शरीर किसी का भी छूटा हो, हाँ ये स्पर्श होने पर स्नान तो करना ही पड़ता है, हाँ स्नान तो करना पड़ता है। चलो ठीक है, जहाँ पर जो समाधि वगैरह देते हैं वो अलग चीज़ है, वो क्या समझा, जहाँ पर समाधि देते हैं वो अलग है, वो अलग प्रसंग है वहाँ पर, है कि नहीं। वहाँ पर तो परमात्मा की बुद्धि से वहाँ पर प्रतिष्ठित करते हैं, जिसका शरीर छूट गया, गुरु का शरीर छूट गया, वहाँ पर परमात्मा की बुद्धि से उनकी उनकी प्रतिष्ठा करते हैं वहाँ पर, समझ में आई बात को, है वो अलग प्रसंग हो गया, ठीक है। नहीं षोड़शी, हाँ षोड़शी क्या है, षोड़शी विधान है ये महर्षि पुराण में है, षोड़शी का विधान है, किसमें है, सन्यासी का षोड़शी का विधान है, कहाँ पर, हाँ महर्षि पुराण में विधान है ना। लेकिन इतना जरूर है तो षोड़शी करो या ना करो, है तो विधान है, सुनते हो कि नहीं, वो कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है, क्या समझा, साधक का ही कर्तव्य है कि उनका षोड़शी का ही करे। लेकिन नहीं भी करेगा तो वो साधु के लिए कोई नहीं है, क्या समझा, जिसको साक्षात्कार हो गया तो उनके लिए कर्म कोई प्रतिबंधक नहीं होता है, मोक्ष के लिए, विद्या मुक्ति के लिए कर्म प्रतिबंधक नहीं, हम यदि करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, समझ में, ये होता है षोड़शी का, ठीक है। और जिसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिस सन्यासी का, है कि नहीं, उनका ये षोड़शी करेंगे तो उनका कल्याण होगा आगे, उसका प्रतिबंध हटेगा, ये भी होता है। चलो अच्छा भैया बाध्य, हाँ ये हो गया, नारा अस्ति स्पर्शन निषेध तद्धारणयश्च विरुद्धयो हो अतुल्य बलतया, यहाँ पर तुल्य बल नहीं ना हुआ भाई, तुल्य बल न होने से विकल्प ना विकल्प, यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, हम चाहेंगे तो छुएंगे
अस्थि ग्रहण करेंगे, नहीं चाहे तो ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा विकल्प नहीं होता है। ठीक है भाई। किंतु सामान्य शास्त्रस्य, देखो यहाँ पर क्या है, सामान्य शास्त्र हो गया स्पर्शन निषेध, है कि नहीं, मृत शरीर का स्पर्श न करे, सुनते हो, मृत शरीर का स्पर्श न करे। स्पर्श हो गया है मतलब स्पर्श हुआ है, कहीं के स्पर्श करना पड़ता है कि नहीं, समाधि आदि में स्पर्श करना पड़ता है, अग्निदाह के लिए लेते हो, गृहस्थ के लिए, है कि नहीं, वहाँ पर स्नान करना पड़ता है, ये सामान्य हो गया। क्या हो गया? सामान्य हो गया। विशेष क्या है? यदि किसी व्यक्ति से हत्या हो गई है, क्या हो गई है, हत्या हो गई, तो उसके अस्थि को धारण करना है ना, ये उसका क्या बोलता है, विधि होती है, उसके लिए विधि हो गई, विशेष हो गया, ये बोलते हैं, है कि नहीं। किंतु सामान्य शास्त्रस्य स्पर्शन निषेधस्य धारणा विधि विषयेण, ये देखो धारण का विधान कर दिया है कि नहीं, अस्थि धारण का विधान कर दिया। ये कौन सा शास्त्र हो गया? विशेष शास्त्र। विशेष शास्त्र न बाधा हो गया भी, ब्रह्म हत्या हो गई, गो हत्या हो गई, तो उसके अस्थि को धारण करना पड़ता है, समझ में आ गया नहीं है? चलो ये दत् उक्तम भवती भाई, इससे ये अभिप्राय हुआ टीका में, विधि प्रतिषेधेर एव स तादृशो विषय अनागतो उत्पाद्य रूप उपनीत। देखो बुद्धि में उपनीत होता है, बुद्धि में उपस्थित होता है, उपनीत का अर्थ उपस्थित, बुद्धि में, साधक की बुद्धि में उपस्थित हो जाता है। कैसे? देख लो, विधि प्रतिषेधेर एव, एक हो गया विधि शास्त्र, दूसरा हो गया प्रतिषेध शास्त्र। विधि प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा है कि नहीं, जो विषय आगे होगा ना, हैं, जो कार्य आगे होगा, उत्पाद्य रूप विषय है कि नहीं, विधान कर दिया कि नहीं, विधान कर दिया, उसका जब कर्म करेंगे तो आगे फल मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, ऐसा होता है, हैं, यदि पाप हो तो पाप की निवृत्ति हो जाएगी, प्रायश्चित करेगा वो, है कि नहीं, जहाँ पर विधान कर दिया आगे पुण्य होगा। इसलिए जो विषय होता है विधि और प्रतिषेध से, वो विषय कैसा होता है, अनागत, हाँ, आगे होगा भविष्यत में जो उत्पाद्य होगा, हाँ, ऐसा उत्पाद्य रूप जो कार्य फल, वो बुद्धि में क्या होता है, उपस्थित होता है, किसकी बुद्धि में, हाँ, जो प्रेरित होने वाला है, कर्म करने वाला, उसकी बुद्धि में उपस्थित। शास्त्र कह रहा है कि इसका फल आगे मुझे होगा कि नहीं, ऐसा होता है। ये ना, जिससे कि पुरुषस्य विधि निषेध अधीन प्रवृत्ति निवृत्तिरपि है ना स्वातंत्रम भवति, है देखो कह दिया, जिससे कि पुरुष, पुरुष की जो प्रवृत्ति निवृत्ति जो होती है ना, हाँ, वो स्वतंत्रता किसको लेकर होती है, बुद्धि को लेकर नहीं, हाँ, विधि निषेध से, हाँ, पुरुष की जो प्रवृत्ति निवृत्ति जो स्वतंत्रता होती है किसको लेकर के, विधि से लेकर के, विधि और निषेध से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, बुद्धि से स्वतंत्रता नहीं होती, बुद्धि से निर्धारण नहीं करना पड़ता कि हम चाहे तो करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, शास्त्र से होता है। ठीक है, चलो पूर्व पक्ष ने ही कहा था ना, हम चाहे तो करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, और विधि निषेध क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बोलता है ऐसा नहीं है, जहाँ पर जो कर्म होता है विधि कर्म अथवा निषिद्ध कर्म, हाँ, तो उसको, हाँ, उसको करने में स्वतंत्रता है क्या पुरुष के, नहीं, किसके अधीन है वो, विधि निषेध के, हाँ, शास्त्र के अधीन होता है, कहाँ पर प्रवृत्ति होनी है, कहाँ से निवृत्ति होनी है, इसमें तो प्रमाण कौन, शास्त्र ही होता है, पुरुष स्वतंत्र नहीं, हो गया कि नहीं हो गया, चलो आगे। भूते वस्तुनि तो न अयम अस्ति, ठीक है, शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता हो विधि निषेध के द्वारा, है कि नहीं, ये अनात्म वस्तु में होती है,
आत्म वस्तु में स्वतंत्रता नहीं होती, चाहे तो ज्ञान होगा, ना चाहे तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा है क्या? विकल्प नहीं होता, ये बोल रहे हैं। कहाँ पर? भूते वस्तुनि तो न इयम अस्ति विधा इति आह। विच्छेद क्या करेंगे? विधा मतलब प्रकार। ये विकल्प आदि जो होते हैं वो अनात्म वस्तु में होते हैं, सुनते हो? कहाँ पर नहीं? जो वस्तु सिद्ध है, भूते वस्तु ने, सिद्ध वस्तु कौन? आत्मा, परम ब्रह्म, उसमें इस प्रकार का विधा है, इस प्रकार के जो विकल्प आदि है ये नहीं होता है, होगी कि नहीं? आगे बता रहे भाष्य में देखो भाई, न तो वस्तु एवं, वस्तु के नहीं, सिद्ध वस्तु जो परब्रह्म जो वस्तु है इस प्रकार का नहीं होता है। न तो वस्तु एवं, वस्तु एवं ना, ये वस्तु ऐसी है, ऐसी वस्तु नहीं है, तो कैसा लगाना है? वस्तु एवं, सुनते हो ना? ये ब्रह्म ऐसा है, और कभी बोलेंगे और क्या बोलते हैं आगे, नैवम, नहीं ये ब्रह्म ऐसा नहीं, सुनते हो? और ब्रह्म है अस्ति, कभी कहेंगे ब्रह्म है, और कभी कहेंगे ब्रह्म नास्ति, इति वा विकल्पते, इति वा न तो विकल्पते, ऐसा विकल्प नहीं होगा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन, आपको ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म का है, तो ब्रह्म अस्तित्व नहीं होगा, कहना क्या चाहते हैं? आपको ज्ञान नहीं हुआ है कि नहीं, तो ब्रह्म में अस्तित्व नहीं होगा कि रहेगा? हाँ, वहाँ पर विकल्प नहीं होता है, आपको ज्ञान हुआ हो अथवा ना हो, ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, वो अब ब्रह्म जैसा है ऐसा ही होगा वो उसमें किसी प्रकार का विकल्प मतलब आपके अधीन नहीं है ब्रह्म बुद्धि के अधीन ब्रह्म नहीं होता है, ठीक है, ये बोलते हैं। अच्छा भाई चलो, हाँ क्या कह रहे हैं? आजकल की बात छोड़िए, नारायण कलयुग में कलयुग की बात छोड़िए, ब्राह्मणों करके जब यज्ञ पवित्र दान नहीं करते हैं तो बाकी की बात क्या है? क्षत्रिय वैश्य को छोड़ ही दीजिए नारायण, नहीं है ना? हाँ ऐसे ही है, कोई कहे तो बस शादी के दिन जनेऊ पकड़ लेते हैं बस, हाँ विवाह के दिन जनेऊ पकड़ लेंगे, विवाह हो गया तो फिर उतार करके रख देंगे ऐसा भी होता है, क्या किया जाए, कलयुग है ये। चलो अपने को कल्याण करना है स्वयं का, और कहाँ तक देखेंगे, क्यों भाई संसार के कहाँ तक देखोगे दोष को, अपना कल्याण करो आगे। अच्छा ये हो गया है ना, तद अनेना प्रकार विकल्पो निरस्ता, ठीक है। मैं देखो ये जो कहा ना भाई भाष्य में, न तो वस्तु एवं न एवं अस्ति अस्ति नास्ति वा, इसके द्वारा क्या कह दिया? प्रकार विकल्प, ब्रह्म में है इस प्रकार है, ब्रह्म इस प्रकार नहीं है, ये विकल्प होता है क्या? ब्रह्म जैसा है ऐसा ही होता है, आपकी बुद्धि का अधीन नहीं है तो हमारी बुद्धि जैसी हो जाएगी पर ब्रह्म ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है क्या? रज्जु तो रज्जु है ही, हाँ विकल्प अपनी बुद्धि में होता है, हाँ सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं होता, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो वो भक्ति का सिद्धांत वो अलग है, वो हाँ जैसी भावना होती परमात्मा उसी पर अभिव्यक्त हो जाते हैं, वो तो माई का स्वरूप है, वो बात अलग चाहिए, हाँ है ना, ये वो अलग चाहिए। तत् अनेना प्रकार विकल्पो निरस्त, प्रकार में विकल्प नहीं होता है, मतलब ब्रह्म इस प्रकार का है इस प्रकार का नहीं है, ऐसा विकल्प होता नहीं है, हो गया भाई। प्रकार विकल्पम निषेधति, हाँ प्रकारी प्रकारी, टीका में क्या दिया है? पहले कह दिया प्रकार विकल्प निरस्त, उसके बाद क्या दिया है? प्रकारी विकल्पम निषेधति, प्रकारी मतलब क्या हो गया? वस्तु, धर्मी, प्रकार मतलब धर्म, समझ में आया? ब्रह्म का धर्म मतलब स्वरूप इस प्रकार का है,
ऐसा विकल्प भी नहीं है, और प्रकारी कहने से स्वयं ब्रह्म, ब्रह्म में भी विकल्प नहीं है और ब्रह्म के स्वरूप में भी विकल्प नहीं, आगे कि नहीं आगे, दोनों को कहना चाहते हैं। हो गया, प्रकारी मतलब कौन हो गया, परब्रह्म, परब्रह्म जो प्रकारी है उसमें भी विकल्प नहीं है, विकल्पम निषेधति। किस प्रकार किया भगवान भाष्यकार ने, अस्ति नास्ति वा, ब्रह्म है कि नहीं है, ये विकल्प बनता है क्या? अस्ति नास्ति कहने से ब्रह्म को लेकर कहा गया, और पहले जो कहा वस्तु एवं नैवम कहने से किसको कहा, उसके प्रकार को, स्वरूप को, स्वरूप में भी विकल्प नहीं है और स्वयं ब्रह्म में भी कोई विकल्प नहीं होता, वो जैसा है वो ऐसा ही है और स्वरूप भी जैसा है ऐसा ही है, मतलब कहने का मतलब समझ में कि नहीं? ठीक है, देख लो। हाँ, स्यात एता, तो कहने का अभिप्राय, अभिप्राय समझ कर रख लो, मतलब व्यक्ति मानेगा तो ब्रह्म में अस्तित्व आएगा ऐसा नहीं, क्या कह चाहे, क्या कहना चाहते हैं, हम मानेंगे तो ब्रह्म में अस्तित्व आएगा और नहीं मानेंगे तो क्या अस्तित्व नहीं आएगा, ऐसा है क्या? आप मानो या चाहे ना मानो, ब्रह्म तो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप जैसा ऐसे ही होगा, है कि नहीं, ये कहना चाहते हैं वामदीकर। ठीक है भाई, चलो आगे। स्यात एतत्, टीका में कहते हैं, भूते अपि वस्तुनि विकल्पो दृष्ट, आपने कह दिया ना कि सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं होता है, नहीं देखा जाता है, लेकिन टीकाकार क्या कह रहे हैं पूर्व पक्षी के अनुसार, भाई सिद्ध वस्तु में भी विकल्प तो दिखता है, क्या है, सिद्ध वस्तु में है, कैसे, यथा स्थान रुवा पुरुष हुआ, ये देखो आपको ज्ञान होने से पहले ठूंठ है कि नहीं, सिद्ध कहने से ये कहना चाहते हैं, आपको ज्ञान होने से पहले ठूंठ है मंद अंधकार में, तो वहाँ पर विकल्प हो रहा है कि नहीं, कि ये स्थाणु है कि पुरुष है, विकल्प हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कहते विकल्प हो गया, सिद्ध वस्तु में भी विकल्प हो सकता है, पूर्व पक्षी कह रहा है, हो गया ना, यथा स्थाणु वा पुरुष वा इति तत्कथम न वस्तु विकल्प थे, आप कैसे कहते हो कि सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं होता है, विकल्प तो होता है, इसमें अगर ब्रह्म में भी हो जाए, क्या ब्रह्म है कि नहीं है, विकल्प हो गया कि नहीं हो गया, है ना, पूर्व पक्षी है सिद्धांत नहीं, अरे भाई ये जो विकल्प हो कह रहे ये तुम्हारी बुद्धि में ही, वस्तु में नहीं तुम्हारी बुद्धि में विकल्प होता है, वो ठूंठ तो ठूंठ है ही, वो उसमें कोई अंतर नहीं होता है इस जगह तुम्हारा विकल्प जो है ना ये तुम्हारी बुद्धि में है, हो गया कि नहीं हो गया, कहाँ पर नहीं है, पर ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म तो जैसा ही ऐसा ही है कि नहीं, विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, विकल्प जो बनता है भाई ये बुद्धि को, आपकी बुद्धि जैसी है इसी प्रकार विकल्प बन जाता है, और क्या, कोई कहता है स्थाणु बोलता है, कोई कहता है पुरुष बोलता है, कोई कुछ कहता है, किसको लेकर कहते हैं, अपने अपने अपना अपना संस्कार जैसा होगा, संस्कार कहाँ रहता है, बुद्धि में रहता है, जैसा संस्कार होगा उसी प्रकार का बुद्धि में विकल्प हो जाता है, सिद्ध वस्तु में कुछ नहीं होता है, एक ने ये कहना चाहते हैं। ठीक है भाई, अच्छा थोड़ी टीका ले लो, पुरुषा बुद्धि मतलब क्या है, पुरुषा बुद्धि मतलब अंतकरणम, बुद्धि का अर्थ यहाँ पर क्या है, अंतकरणम, अंतकरण है, चित्त कह लो, अंतकरण लो, बुद्धि कह लो, सब प्रजा ही है, तत् अपेक्षा विकल्पना, हाँ मतलब अंतकरण में संस्कार है, संस्कार अलग अलग संस्कार है सबको, क्यों भाई, विलक्षण संस्कार है युक्त अंतकरण से विकल्पना भी बहुत प्रकार की हो जाती है, बराबर ना, संशय, विकल्प क्या चीज है, संशय विपर्यासा, क्या कह रहे हैं, कभी संशय होता है कभी विपरीत भावना होती है, भ्रम भ्रम विपरीत भावना, विपर्यास का अर्थ क्या है, भ्रम, संशय में दो कोटि का ज्ञान होगा, स्थाणु है कि पुरुष है, ये संशय हो गया, और कहेंगे नहीं ये चोरी है पुरुष है, ये होगा विपर्यास, समझ में, ये भी कहाँ पर है, आपकी बुद्धि में है, संशय विपर्य बुद्धि में है सब ये कहते हैं, जैसे स्वप्न में होता है भैया कि नहीं,
स्ववासना मोर मात्रा योनयो वा यथा सपने। देखो स्वप्न में है ना, स्वप्न में जो कुछ भी होता हो उसमें कारण क्या है मालूम है? देखो मनो मात्रा योनयो, वो मन मात्र है भाई, मन मात्र है। मनो मात्रा योनि, योनि का अर्थ कारण। और कैसा मन? वासना से युक्त मन, वासना संस्कार। जैसा जैसा संस्कार होगा ऐसा ही से आपको स्वप्न में होगा संशय सारा का सारा। क्यों भाई? ये संशय कहो चाहे विपर्य, सब स्वप्नों का ही तो है। ये किससे हो रहा है? मन से हो रहा है। जैसी जैसी वासना होगी आपको मन में ऐसा ऐसा दिखाई देगा, वो मन ही उसी प्रकार से दिखता है। विषय भी है और विषय भी है, क्या कह रहे हैं? विषय भी है और विषय, वो सब मन ही होता है स्वप्न में। आ गया कि नहीं? वहाँ पर इंद्रियां तो लीन है, इंद्रियों का व्यापार नहीं होता है, मन का वहाँ पर होता है। इंद्र तो ऐसे सो रही है वो। हाँ जी, हाँ नहीं, एक ही शब्द है विपर्यास, एक ही शब्द है ना। विपर्यास का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान। विपर्यास का क्या होता है? विपरीत ज्ञान। आए समझ में? हाँ, बी उपसर्ग परि उपसर्ग सुनते हैं ना, और आस धातु है। क्या धातु है? आस धातु से बन जाएगा, अथवा अस धातु से ही बनेगा। किससे? अस भूमि धातु से भी बन जाएगा विपर्यास। बी उपसर्ग परि उपसर्ग और क्या है? अस धातु से कहें प्रत्यय करो तो क्या बन जाएगा? विपर्यास। विपर्यास का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, मतलब स्थानों को चोर मान लेना, ये हो गया विपर्यास। और ये स्थाणु है कि पुरुष है, ये हो गया संशय। आएगी नहीं समझ में? ये सब कहाँ पर? अंतकरण में। ये सब संशय विपर्य होता है, सब अंतकरण में। जैसे स्वप्न बोल दिया, स्वप्न में जो कुछ भी होता है मन से ही होता है। क्यों भाई? और कैसा मन? स्ववासना, वासना युक्त है ना, वासना युक्त मनोमात्र ही योनि है, कारण है। किसके? संशय विपर्य के। कहाँ पर हो रहा है? स्वप्न, स्वप्न में, सपने। हो गया कि नहीं हो गया? बोले स्वप्न में होने वाला संशय विपर्य। और जागृत में क्या हो रहा है? जागृत में इंद्रिय भी कारण है। स्वप्न में इंद्रिय कारण नहीं, केवल मन कारण है। वासना युक्त मन ही कारण है स्वप्न में, लेकिन जागृत में जो संशय विपर्य होता है, क्या बोल रहे हैं, केवल मन कारण नहीं है। यहाँ पर इंद्रिय, इंद्रिय चक्षु का संबंध भी है कि नहीं? किसके साथ? स्थाणु के साथ। सामान्य ज्ञान होगा ना, इदम, इदम को देखने के लिए क्या चाहिए? चक्षु भी तो चाहिए। इसलिए इंद्रिय, हाँ, जागृत में इंद्रिय भी चाहिए। समझ में नहीं? ये सर्प है तो यह को देखने के लिए, इदमकार वृत्ति के लिए क्या चाहिए? चक्षु, चक्षु भी चाहिए। स्वप्न में ऐसा नहीं हाँ, सब मन, मन से ही होता है, ये बोल रहे हैं। स्ववासना इंद्रिय मनोयनयो वा, ये किसके लिए कहा? जागृत के लिए कहा। समझ में आया कि नहीं? अव्यक्तानंद जी, इसलिए इंद्रिय बोल दिया। यथा स्थाणुर्वा पुरुष वा, ये कहाँ पर हो रहा है? जागृत में हो रहा है। ये स्थाणु है कि पुरुष है, तो संशय कहाँ पर हो रहा है? स्थाण संशय, स्थाणु है अधिष्ठान, उसमें क्या हो रहा है आपको? संशय हो रहा है, बराबर है। और जब कहते हो पुरुष एव इति, हाँ, ये क्या है? विपर्यास। पुरुष एव इति च, च पाठ करो उसको। पुरुष एव इति वा जो दिया है ना, वा नहीं चाहिए, वा के बदले च करो, ठीक है? पुरुष एव इति च, वा यहाँ पर संगत नहीं बैठ रही है, ये पुरुष ही है। ये ज्ञान क्या है? विपर, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, विपर्यास कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।